वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एंट्री टेस्ट के हवाले से फर्स्ट जो है वो वीडियो बना रहे हैं। और ये एंट्री टेस्ट की जो वीडियो है ये आपको जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी यूनिवर्सिटी में यानी कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट लेक्चर है एंट्री टेस्ट का। इंशाल्लाह बाकी भी जो वीडियोस हैं वो भी मैं चैप्टर टू चैप्टर टॉपिक टू टॉपिक जो है वो अपलोड करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। अगर इसमें किसी किस्म का कोई इशू हो और या इसके अलावा कोई और एमसीक्यूज ऐसे हों जो आप समझते हैं कि इस तरह के भी एमसीक्यूज होने चाहिए जो आपको आपके एंट्री टेस्ट के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हेल्प कर सकते हैं तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मुझे एक लिहाज से कम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे आप बता सकते हैं कि सर आप इस तरह की वीडियो भी बना लें ताकि वो हमें ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। तो आज की वीडियो के फर्स्ट जो है एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि टॉपिक ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स को हमने फाइंड करना है, क्योंकि स्टोइकोमेट्री का चैप्टर है उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही हैं। तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 0.5 मोल। अगर 0.5 मोल्स आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसके अंदर कितने हमारे पास जो है एक लिहाज से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस वक्त हमने जो फाइंड करना है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। और कितने मोल में मालूम करना है? 0.5 मोल्स में। तो ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके अंदर फिर वैल्यूज पुट करते हैं तो उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल हो तो आप उसको इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग कॉमन सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। तो आपने शॉर्ट फॉर्म में इसके फार्मूला लिखकर उसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लिखेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने के बाद आपके पास जो है इनके नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिख दिया तो एन हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर एन आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एन शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5 है। और इसी तरीके से हमारे पास जो एवोगाड्रोस नंबर आपके पास होता है वो फिक्स उसकी वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 है। तो इस पॉइंट को अगर हम खत्म करते हैं तो आपके पास अगर इसको हम सॉल्व करते हैं पॉइंट को खत्म करके तो 5/10 आपके पास 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6.02 10^23। एक चीज ध्यान रखें, जिधर पॉइंट होगा उस पॉइंट की जगह पर आप 1 लगा देंगे, आगे जितने डिजिट्स होंगे वो 0 लगा देंगे। तो ये 10 हमारे पास आ चुका है। तो ये 5 1 5 5 2 10 हो गया, इसको भी हमने कैंसिल कर लिया। अब इसी तरीके से इसको इसके साथ भी सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 2 2 3 6 2 0 0 2 1 2 यानी कि इसका आंसर जो आ चुका है वो है 3.01 × 10^23। तो अब आप चेक करें कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसका आपके पास ऑप्शन है। नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 3.01 10^23। अब ये देखें कि ये आपके पास किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो मेरा ख्याल ये लास्ट डी ऑप्शन है जो कि आपके पास ठीक ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज का आपके पास आंसर आ जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड इस वक्त एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 88 ग्राम। देखें लास्ट एमसीक्यूज में हमने नंबर ऑफ मोल्स के जरिए से मालूम किया था आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस वक्त हमारे पास अमाउंट गिवन है तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मालूम करना है, यानी कि अमाउंट के जरिए से मालूम करना है। तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे जो पहले हमने यूज किया था। तो उसमें देखेंगे इसमें से कौन से ऑप्शन इसमें ठीक है। तो हमारे पास आता है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। देखें जो एन है वो मोल को शो कर रहा है, तो हमारे पास मोल तो दिया हुआ नहीं है जबकि हमारे पास क्या दी हुई है? अमाउंट दी हुई है, जो अमाउंट गिवन अमाउंट दी हुई है। तो हमारे जो मोल का फार्मूला है तो वो भी आपको आना चाहिए, मैं मोल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मोल इज इक्वल टू होता है, जो मोल का फार्मूला है वो हमारे पास है, उसको हम मुख्तलिफ तरीकों से लिखते हैं, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा? एवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा। तो इस वक्त जो गिवन हमारे पास है, जो अमाउंट है,
किस चीज की गिवन अमाउंट? कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन अमाउंट है 88 ग्राम, और इसका मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, तो इसको मैं इस साइड पर कैलकुलेट कर लेता हूँ रफ में। कार्बन डाइऑक्साइड है, वन कार्बन है, एक कार्बन का मास 12 होता है, और दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो दो ऑक्सीजन का मास हमारे पास हो जाएगा 32। अगर आप इसको प्लस करते हैं तो ये बनता है 48 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास मोलर मास है वो हमारे पास कितना है, 44 है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 44 आ जाएगा। गिवन अमाउंट भी आ गई, मोलर मास भी आ गया, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या था, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23, तो ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो अगर आप देखें 44 1 ज़ा 44 44 2 ज़ा आपके पास 88 होता है। इस 2 को हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 ज़ा 4 2 0 0 और 2 6 ज़ा आपके पास होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10^23। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की 88 ग्राम है, तो इस 88 ग्राम के अंदर नंबर मॉलिक्यूल 12.04 10^23 होगा। तो पहला ही ऑप्शन आपके पास जो है इसका ठीक ऑप्शन, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्व किया, इसके अलावा कोई और भी आपके पास हो सकता है, तो तब उसको भी आप इसी ही मेथड से, इसी ही चीज के जरिए से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड एमसीक्यूज कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। तीसरा एमसीक्यूज इस वक्त हमने जो चेंज किया है, अब क्योंकि इससे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड किए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल के जरिए से भी फाइंड किया और ग्राम के जरिए से भी, अब एटम्स की तरफ आते हैं। तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, मोल्स में भी फाइंड करने हैं, और इसी तरीके से हम इसको जो है ग्राम्स के जरिए से भी फाइंड करेंगे। तो इस वक्त मैंने मॉलिक्यूल चेंज कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय सल्फर ट्राई ऑक्साइड यूज किया है। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है उसके 0.5 मोल्स के अंदर कितने एटम्स मौजूद होंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि सल्फर ट्राई ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं, और फिर 0.5 में भी आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस एक एटम में अगर आप देखें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसमें एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो आपने 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है जब इसके एटम्स फाइंड करने हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल नहीं फाइंड करने बल्कि इसके अंदर जो एटम्स मौजूद है उसको आपने फाइंड करना है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर फार्मूला वैसे ही लिखेंगे, नंबर ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, और वही आ जाएगा एम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, और मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया है, क्योंकि हमने इस वक्त इसके मॉलिक्यूल्स नहीं फाइंड करने बल्कि इसमें मौजूद एटम्स को फाइंड करना है, जब इसमें मौजूद एटम को फाइंड करना है तो इसलिए हम इसको 4 से भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 है, तो 0.5 आ जाएगा, और एवोगैड्रो नंबर 6.02 10^23, और नंबर ऑफ एटम कितना था, 4, वैसे का वैसे आ गया। फिर इसको हम पॉइंट को खत्म करेंगे, तो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10^23 आपके पास 23 है, और यहाँ पे क्या है आपके पास 4 है। अब यहाँ पर कैंसलिंग हो रही है, तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इस 2 को हम इस फिगर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 2 ज़ा 4 आता है, 2 0 0 आता है, और 2 6 ज़ा 12 आता है, और मल्टीप्लाई बाय 10^23 आता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और ये ऑप्शन जो ठीक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है वो ये है आपके पास, ए ऑप्शन ठीक है, 12.04 10^23 है। तो थर्ड एमसीक्यूज इस तरह कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि नंबर 4 हमारे पास। इस एमसीक्यूज में अगर आप देखें कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स, देखिए जो फर्स्ट एमसीक्यूज किया था वो मॉलिक्यूल्स का किया था, उसमें मोल के जरिए से भी मॉलिक्यूल को फाइंड किया और ग्राम के जरिए से। अब एटम्स की बारी है, तो एटम्स को हम मोल के जरिए से थर्ड में एमसीक्यूज में फाइंड किया है और ग्राम के जरिए से फाइंड करेंगे, तो तरीकाकार वही है, वैसे ही हमारे पास होगा। तो फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एटम फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल नहीं फाइंड करने, जब आपने एटम फाइंड करना है तो इसमें देखना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में कितने एटम है, उसको आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, यानी कि 4 से आप उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पर आपके पास जो
मोल का फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट हम उसको लिखते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, जो क्वेश्चन में हमेशा अमाउंट दी होगी, क्वेश्चन के अंदर जब भी अमाउंट दी होगी वो गिवन अमाउंट होगी, और जिसकी गिवन अमाउंट होगी उसी की ही आप मोलर मास उसके नीचे लिख देंगे। तो जो हमारे पास गिवन अमाउंट इस वक्त है वो है 10 ग्राम, और नीचे अगर हम लिखते हैं मोलर मास तो सल्फर का लिखते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का अगर आप लिखते हो तो सल्फर का 32 है और इसका 48 है, तो 32 और 48 हो जाएगा 80, क्योंकि एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो तीन ऑक्सीजन 48 हो जाएंगे, तीन ऑक्सीजन 48 होंगे, 16 प्लस 16 32, 48 और 32 80 हो जाएगा। तो 80 यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 10^23 और मल्टीप्लाई बाय यहां पे 4 आ जाएगा। तो 10 वन्स आपके पास हो जाएगा, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 10 वन्स और 10 एट्स, फिर यहां पर भी एक कैंसिल हो रहा है, 4 वन्स 4 टूस, 2 अभी इसके साथ डिवाइड होगा ऊपर वाले के साथ, तो 2 वन्स और 2 थ्रीज 0 और 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3.01 10^23। तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक ऑप्शन है, और ये ऑप्शन इस वक्त कहां पे मौजूद है, ये नंबर डी पे मौजूद है। तो नंबर ऑफ एटम सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट 10 ग्राम, ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट अभी हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास है का मॉलिक्यूल्स है उसके 0.5 मोल्स के अंदर जो है वो कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। लेकिन इससे पहले हम पूरे मॉलिक्यूल्स में एटम फाइंड कर रहे थे, अब इस वक्त हम इस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन को फोकस कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को देखें, उसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, तो फार्मूले के अंदर 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर यह होता कि हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड में आपके पास जो टोटल एटम्स हैं वो 3 हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम्स मौजूद हैं, तो 2 के लिहाज से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एन है मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर है, और मल्टीप्लाई बाय 2 लिख रहा हूं, 3 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड करने हैं, सल्फर के नहीं मालूम करने हैं, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में पूरे एटम्स नहीं मालूम करने, सिर्फ ऑक्सीजन के फाइंड करने, इसलिए 2 यहां पर मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तो अब आपके पास जो एन हमारे पास है वो आपके पास मोल है, तो मोल आपके पास दिया हुआ है 0. आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 10^23 है और मल्टीप्लाई बाय 2 है। अगर आप इसे इसको सॉल्व करते हैं फिर वही आ गया 5 अपॉन आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10^23 और मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो 5 वन्स आर 5 टूस आर, तो यहां पर ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 वन्स आर 2 वन्स आर, तो ये 1 आपके पास इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हमारे पास इसका जो आ जाएगा वो है 6.02 10^23। तो ये आंसर इसका ठीक है, और ये ऑप्शन आपके पास बी हमारे पास है, और बी ऑप्शन इसका ठीक जो है वो ऑप्शन हमारे पास होगा। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है नंबर 6 एमसीक्यूज, और उसमें हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 320 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के अगर 320 ग्राम आपके पास हो तो उन 320 ग्राम्स के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स मौजूद होंगे। तो मेन वही है कि नंबर ऑफ एटम्स ही हमने फाइंड करना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो उस 2 को भी आप एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास इस तरीके से है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम या एटम ऑफ ऑक्सीजन इन सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस मल्टीप्लाई बाय 2। 2 क्यों लिखा, 2 इसलिए लिखा क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए इसमें मैंने 2 को मेंशन किया। अब यहां पर क्योंकि फार्मूले के अंदर एन मौजूद है और एन मोल को शो कर रहा है, मोल हमारे पास नहीं है बल्कि गिवन अमाउंट दी हुई है, तो जो गिवन अमाउंट है वो है 320 ग्राम, और जो मोलर अमाउंट नीचे हम लिखेंगे वो भी जिसकी गिवन अमाउंट उसी की मोलर लिखेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिखते हैं, एक ऑक्सीजन हमारे पास 16 है, 2 का 32 हो जाएगा, सल्फर 1 32 है, 32 एंड 32 64 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास 6.02
10 as power 23 है और multiply by 2 है। अब यहाँ पर हम इसको cancel करते हैं, अगर हम इसको cancel करें तो इस part को देखिए हमारे integers के किसी भी कोई भी integers हो तो उसमें calculator allow नहीं होता, तो आपने खुद थोड़ा सा इसको handle करना है। अभी ये 320 है, अब मैं इस 320 को अगर इस तरह लिख दूँ 320 की बजाय इसको 32 multiply by 10 लिख दूँ तो तब भी ये 320 बनेगा, क्योंकि मैंने इस तरह क्यों किया, कैंसिल करना मेरे लिए इजी हो जाएगा, इनकी कटिंग आसान हो जाएगी। तो 32 वन्स आर 32 टूज आर 64 होता है, और ये 2 वन्स आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, तो ये 10 की पावर 1 है और यहाँ पर 10 इस पावर 23 है, तो आपके पास जब बेस एक जैसे आ जाए तो उनकी पावरें एड हो जाती हैं, तो यहाँ पर इनकी पावरों को मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड मेरे पास ऊपर आंसर भी मौजूद है। तो 10 is power 1 है, 23 है, तो ये हो जाएगा 24, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है लास्ट MCQs का। तो इस तरीके से हमारे पास जो टॉपिक था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स का कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमने 6 MCQs के अंदर कुछ उसको सीखने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो इसी से रिलेटेड जो है, इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, और आप लोगों को अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ आए तो वो आप लोग कॉमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स।